वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कंसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम पर बात करें कि इस मूवी की की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी द जानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जिस लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस को इस मूवी एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइन्टीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगा, होगी क्या होगा कि मूवी के अंदर तो चीज मैं कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर आज की आप लोगों को, बहुत सारे पुराने भी देखने को मिलेंगे एंड आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा हो क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेज़ी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे Personally, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी सारी है वो, जो है वो सारी सारी की आप लोगों के जितने भी हैं क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज कि इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की की सारी सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेज़ी मीडियम फाइंडिंग uh, फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बीइंग एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को 90s के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉरर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर फिफ्टी मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है, वो मैं यहां पर बात करने वाला हूँ आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा दे दूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे Personally, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल well, तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कंसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो, वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में किस कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी द जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जिस लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइन्टीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉरर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15 मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है, वो मैं यहां पर बात करने वाला हूँ आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा दे दूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी, -सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी जानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी चीजी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बीइंग इंग सर्किस ऐसे तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को 90s के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

होगा रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कि इस मूवी के अंदर तो ये चीज़ आप लोगों को बता देता कि इस बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को horror element, horror और भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल well, तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कंसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी द जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जिस लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइन्टीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉरर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15 मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

हु क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में

अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे Personally, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर फिफ्टी मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल well, तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी द जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइन्टीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

हो रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है वो मैं यहां पर बात करने वाला हूँ आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा एक जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में

अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे Personally, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के, तो के, के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहां पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा राइटेड हूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी है दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को के नाइन्टीज के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉरर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या नबी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

एक्साइटेड क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कंसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में

अद जानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे Personally, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर फिफ्टी मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल well, तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के, तो के, के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो वो सारी सारी की सारी आप लोगों के जितने भी हैं क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी द जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिस लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइन्टीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

हो रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा तो कुछ कुछ कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15 मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर मिलेंगे एंड आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी है उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें हंड्रेड कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह है चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे Personally, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा में घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के, तो के, के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा राइटेड हूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइन्टीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉरर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या नबी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर मिलेंगे एंड आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा दे दूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल हैं की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल well, तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

राइटेड हूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दी चीजी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग uh, फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बीइंग सर्कस इस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को 90s के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या नबी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

हु क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे Personally, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का ति, चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे तो पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा में घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के, तो के, के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा राइटेड हूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइन्टीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉरर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या नबी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल well, तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है, वो मैं यहां पर बात करने वाला हूँ आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा डूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी जानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी चीजी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग uh, फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बीइंग सर्कस इस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को 90s के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे तो पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

बताए दूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को के नाइनज के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या नबी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हाँ ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है, वो मैं यहां पर बात करने वाला हूँ में, में आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइट दे दूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी तो कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के एरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के, के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे तो पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

राइटेड हूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज कि इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी, -सारी, -सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जिस लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को नाइनटीज के इरा के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा क्या इस इस मूवी मूवी के के अंदर अंदर तो चीज मैं आप आप लोगों लोगों को 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 बता देता हूं कि इस के अंदर आप लोगों को मिस्ट्री देखने को मिलेगी हॉरर एलिमेंट ए, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा एंड आप लोगों को यह कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च के महीने में काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है, वो मैं यहां पर बात करने वाला हूँ आजकल के भी कुछ एक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जी मर्डर मुबारक के बारे में जो कि पंद्रह मार्च दो में रिलीज की जाएगी एंड इस मूवी को लेकर मैं काफी ज्यादा हु क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि तो vale तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अदजानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी एंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे

यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टि, टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी सिनेमा में घरों में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च 2024 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए वेल तो जी वैसे तो साल 2024 में हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की हमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि साल 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा है लेकिन अभी इसको आए हुए तकरीबन दो माह से ऊपर हो चुके हैं साल दो को आए हुए एंड अभी फाइनली इसका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड

राइटेड हूं क्योंकि इस मूवी में हमें एक बहुत ही डिफरेंट सा कांसेप्ट देखने को मिलता है आज तक मैंने जितनी भी मिस्ट्री वाली या थ्रिल वाली मूवीज देखी हैं उनमें मुझे कॉमेडी का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता था लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 110% कॉमेडी देखने को मिलेगी अभी इस मूवी को आने से तकरीबन जो है वो नौ दिन रह चुके हैं एंड उन नौ दिनों को मैं किस तरह से गुजार रहा हूं ये मैं जानता हूं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएंगे इस मूवी को लेकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं उसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस मूवी की जो है वो कंप्लीट फैक्ट्स के कौन कौन से हैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा मैं आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड और कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं मर्डर मुबारक के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है बहुत अच्छे तरीके से होमी अद जानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने दी थी जी आप लोगों के सामने मर्डर मुबारक के अलावा अंग्रेजी मीडियम फाइंडिंग फनी उसी के साथ साथ कॉकटेल बी इंग सर्किस ऐस तरह की मूवीज इन्होंने दी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को के नाइन्टीज के कुछ एक्टर्स देखने को मिलेंगे बल्कि आजकल के दौर के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारा अली खान विजय वर्मा करिश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया टिस्का चोपड़ा संजय कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अभी तक इस मूवी को क्योंकि

रोमांस होगा कॉमेडी होगी क्या होगा कॉमेडी तो देखने, कुछ कुछ देखने, देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों को कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को हॉरर एलिमेंट हॉर टच और मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाएगी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी जाएगी तकरीबन आप लोगों के सामने दो घंटे पंद्रह से बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जया नहीं जाएगा बाकी की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी या नबी फाइनली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी जब इसे रिलीज किया जाएगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी या कहीं और डिजिटली भी अवेलेबल की जाएगी तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई जा रही है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया जाएगा आप लोगों के करीबी घरों में, में तो इसे लगाया नहीं जाएगा बट हां ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी इजीली अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 15th मार्च टू में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर पाए